पूर्व सैनिक ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे को मारी गोली, हुई मौत। बिहार के अररिया जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के कोरसा कांटा प्रखंड के कमलदाहा पंचायत में पूर्व सैनिक ने लाइसेंसी बंदूक से अपने ही बेटे को गोली मार दी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक और गांव के मुखिया रह चुके अनवार आलम ने पारिवारिक कलह से तंग आकर अपने पुत्र अन्नु उम्र 33 वर्ष को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। बेटा अन्नु पिता की दूसरी शादी से नाराज था, जिसको लेकर पिता पुत्र में विवाद था। जानकारी के मुताबिक मृतक अन्नु अनवार आलम और उनकी पहली पत्नी का बेटा है। पूर्व मुखिया रह चुके अन्नु की मां के निधन के बाद पिता अनवर ने 4 साल पहले दूसरी शादी कर ली, जिसको लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। मृतक अन्नु भी शादीशुदा था। मृतक की शादी 2010 में हुई थी, उसको 4 बेटियां भी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।